हाय, आप देख रहे थे ललन टॉप, मैं हूँ सोनाली। देखो दोस्तों, कक्कड़ के कक्कड़ के एरा में अगर आप आज भी लता जी और आरडी बर्मन को सुनने वाले हैं ना, तो ऊपर वाला आपको बचाए। खैर, टोनी कक्कड़ नया गाना लाए हैं, या यूं कहे कि एक और गाने का टोनी करण करके लेकर आए हैं। इस बार इसे सुन आपके कान डबल कक्कड़ा जाएंगे, मतलब कक्कड़ भाई बहन दोनों है ना इसमें, नेहा और टोनी, इसीलिए। और दोनों ने साथ में मिलकर काटा है, मतलब काटा लगा गाया है। लेकिन माजा के आम से भी ज्यादा ताजा यह खबर आ रही है, इस गाने के आते ही दफ्तरों में आईटी वालों का काम बढ़ सकता है। ये लाइव फुटेज देखें, कैसे गाने को देख लोग दीवाने होने लगे हैं। अब आप सोच रहे हैं, सोनाली यार हर बार टोनी क्यों, क्या परेशानी क्या है तुम्हारी, तो सुनिए इस गाने पर आगे बात करने से पहले टोनी कक्कड़ के एक ट्वीट की बात करते हैं। टोनी गाने से ज्यादा लिरिक्स इस ट्वीट में लिखकर कहते हैं, फ्लॉप गानों के मीम नहीं बनते। बिल्कुल सच टोनी जी, उतना ही सच जितना सच ये भी है कि कभी पार्लियामेंट में कोई नेता सोया नहीं, कि बिरयानी से ज्यादा पुलाव बेटर होता है, और उतना ही सच जितना सच ये कि देश में अब भी कोई भूखा नहीं सोता है। ट्वीट में टोनी जी आगे लिखते हैं कि वो यानी मीमर्स मीम बनाते हैं क्योंकि मैं हिट गाने बनाता हूं। ध्यान दीजिए, हिट गाने। ये सच नहीं है, मतलब मैं कल को ये भी मान लूंगी कि ऐसी मशीन बन सकती है जिसमें एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। नहीं, मान सकती कि YouTube सर्च में टोनी का नाम डालूं तो कोई सुरीला और हिट गाना निकलेगा। अब बात काटा लगा के कर देते हैं। सच बताऊं तो माय बैड, मैंने इस गाने का टीजर देख के खुद ही अज्यूम कर लिया था कि ये पुराने वाले गाने का रीमेक होगा, जो कि टोनी अक्सर करते हैं। असल में 1972 में समाधि फिल्म आई थी जिसमें ओरिजिनली काटा लगा गाना आया था। लता जी की आवाज थी, उसे सुनने वाले गाने को सुनते सुनते शर्माने की मल्टी टास्किंग साथ में कर लेते थे। लेकिन फिर मिलेनियल 90s के बच्चों को काटा लगा का रीमिक्स मिला, वो जमाना जब रीमिक्स ठीक ठाक अच्छे लगते थे। आज की पीढ़ी शायद ये ना समझ पाए कि उस जमाने में FTV और उस गाने को उतना ही अश्लील माना जाता था जितना कि आज। एक्चुअली कुछ अश्लील है। खैर, जो रिस्क आप आज की तारीख में बिना हेलमेट लगाए सिग्नल से गाड़ी निकालने में लेते हैं, बिना किसी को ऑफेंड किए ट्वीट करने में लेते हैं, जो रिस्क आप बॉस को बिना नजर आए ऑफिस से जल्दी निकलने में लेते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करने में लेते हैं, बिना इनकॉग्निटो मोड की सर्फिंग करने में लेते हैं, बस वैसा ही जोखिम रिस्क हम लेते हैं, लेते थे इस गाने की वीडियो देखने में, पुराने वाले काटा लगा के रीमिक्स को देखने में। खैर, गाने के नाम पर मत जाइए, टोनी के इस नए गाने काटा लगा का हमारे बचपन वाले गाने से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने नए तरह का काटा लगा है, काटा खुद सोच रहा है ये मैं कहां लग गया। गाने के लिरिक्स पर ध्यान दें तो टोनी कहना चाहते हैं, रानी मेरे महल के पीछे, हां जी मेरे बगीचे नीचे 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 नीचे। ऐसा लग रहा है स्विगी वाले भैया को घर का रास्ता बता रहे हो। देन एक लाइन आती है, लाल तेरी साड़ी दिखती है नाड़ी। नाउ राइम नहीं सर, आप क्राइम कर रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए। इससे अच्छे लिरिक्स तो इस गायिका ने अपने गाने में गा दिए हैं। गरवाड़े देसी गरवाड़े आंडे गरम गरम आंडे गरम गरम आंडे गरम गरम आंडे। गाने में टोनी कक्कड़ खुद के लिए थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। टोनी कक्कड़ कह रहे हैं, टोनी कक्कड़ के गानों पर नाचे लड़की जरा भी ना सोई। हाँ, क्योंकि उसने कॉफी की जगह नींद भगाने के लिए आपके लिरिक्स सुनने का सोचा, और अब वो शायद कभी चैन से सो भी नहीं पाएगी। इस पूरे गाने में नेहा कक्कड़ ने लगभग 60 बार, लाइक मोर देन 60 टाइम्स उई माँ कहा है। मतलब मेरा सच में पूछने का मन हो गया, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। आगे गाने में थोड़ी राहत की सांस की उम्मीद थी, क्योंकि हनी पाजी टू द रेस्क्यू, जिनके अंग्रेजी बीट और डोप शोप में हम आज तक डूबे हैं। हनी का अकेला आ इस पूरे गाने से अच्छा है। लेकिन एक जगह मैं नाराज हुई, क्यों हुई, कि अब भी हनी सिंह लड़कियों से कैसे बात कर रहे हैं। आजा मिटा दूं मैं तेरी थकान, नो थैंक यू अंकल, पहले प्लीज टेक केयर ऑफ योर मकान एंड योर दुकान। एक और जगह कहा गया, क्यों क्यों सुनती है तू कार्डी बी, छी नॉटी लड़की। काफी जजमेंटल लगता है, हनी खुद अपना ही इतिहास भूल गए लगता है, वो वाला जब हल्की दाढ़ी आने वाले लड़के स्कूल में इनके गंदे गाने गा के गालियां दे दे के खुद को बड़ा कूल यो समझते थे। बट एनीवे, इस सबको भूल भी जाओ तो देखो, मैंने हनी पाजी के गाने सुने हैं वेज वाले। लेकिन जहां तक बात टोनी कक्कड़ और उनके कोलैबोरेशंस की है,
भाई पहले वाले गाने में सोनू सूद और इस बार नेहा और हनी सिंह, मतलब जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। मैंने पूरे गाने में एक तो एक चीज मिस की दिल से, नेहा कक्कड़ के आंसू, बट सॉरी वो तो इंडियन आइडल में होते हैं, स्क्रिप्टेड। ये गाना स्क्रिप्टेड नहीं है। लोग इस सब के जवाब में कहते हैं, आप कुछ भी कहो मैडम, टोनी बॉय के गाने खूब चलते हैं। हाँ चलते हैं, लेकिन उन पार्टियों में जहाँ इंसान को जनरेटर की आवाज में भी नाचने में कोई मुझे नहीं लगता दिक्कत होती है, उस जगह जहाँ लिरिक्स नहीं सुने जाते, इंसान अह पर भी आह करता है, उसे ये टेंशन नहीं कि रात के 3 बज गए हैं, घर कैसे पहुंचूंगा, कैब कैसे बुक होगी। सच कहूं तो इस गाने पर डांस करने वाले को मतलब नहीं है कि अब मेटल सॉन्ग बजे या गजलें हैं, उसके लिए टोनी मोंटाना, टोनी कक्कड़ सब बराबर हो गए हैं, उससे मतलब नहीं है सामने फरारी है या बैलगाड़ी, वो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और भाई तेरा नाच के दिखाएगा मूड में जा चुका है। हाँ मतलब आप समझ गए ना। अंत में एक और बात, आप सोच रहे हैं बुरे लिरिक्स वाले गाने तो आए दिन आते हैं, सुर और ताल की इन्हें क्या समझ है, लेकिन दोस्तों ये कोशिश है, कोशिश है कि इस सब से एक दिन वापस सावन आया है जैसे गाने टोनी फिर बनाएंगे। देखते रहें दी ललन टॉप, मैं सोनाली हूँ, शुक्रिया।